जी सर, जैसे कि रेड जोन डिक्लेयर हुआ तो आपको एरिया कुछ अफवाहें आ रही हैं, कौन सा होगा वो भी हो गए ऐसे ही, तब क्या कौन कौन सा एरिया जो है क्लियर कर रहे हैं? इसमें मैं कहना चाहूँगा कि जो रोहित केनी जी की डेथ हुई है, एक 38 इयर्स ओल्ड यूथ थे और एक हफ्ते के भीतर ही उनका कोविड पॉजिटिव आने से डेथ हो गई। उसमें जो इमेज कैंप गोल गुजराल में भी कुछ केस पॉजिटिव आए थे, फिर उनके कॉन्टैक्ट्स के आगे जो SOPs हैं प्रॉपर फॉलो किए गए कि उसमें, और जो कॉन्टैक्ट्स जो पॉजिटिव आते हैं फिर उसमें SOPs के मुताबिक पूरा एसरटेन किया जाता है, फीडबैक ली जाती है डिफरेंट एजेंसी से, उसके बाद फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है इसमें ऑर्डर करते हैं। तो इसमें मेरा ये कहना है कि हमारा जो अभी तालाब तुल्लो में वार्ड नंबर 30 एंड 31, ये एरिया है आपका तालाब तुल्लो चौक से लेके गुरुद्वारा टाली साहब जिसको हम बोलते हैं, उसके बीच में जो भी ये वार्ड्स दो पड़ते हैं, इसमें क्योंकि ये जो रोहित केनी जी थे इनका जो रेजिडेंस है वो इसमें आता है, और इसमें यहाँ पे उनका उठना बैठना था, इवनिंग में दोस्तों के साथ बैठते थे या कहीं दो चार एस्टेब्लिशमेंट्स दुकानें थी यहाँ पे ये जाते थे, तो वो सारा वर्कआउट करके, और इनके कोई नियरली 17-18 कॉन्टैक्ट्स जो इमीडिएट इनके फ्रेंड थे, फर्स्ट कॉन्टैक्ट जो थे वो आइडेंटिफाई किए गए हैं। तो अब ये इसलिए एक कंटेनमेंट जोन जो है डिक्लेयर किया गया है, तो पुंछ हाउस का एरिया उसमें नहीं आता है, क्योंकि तालाब तुल्लो चौक से लेके आगे बोड़ी तक का जो भी एरिया है उसमें इन्वॉल्व नहीं है। तालाब तुल्लो एरिया की बात की, अब मैं गोल गुजराल की बात करूँगा, तो पूरी पंचायत गोल गुजराल, क्योंकि डिफरेंट लोकेशन से इसमें पॉजिटिव केसेज आए हैं, तो इस कंटेनमेंट जोन में भी हमने तालाब तुल्लो जो हमारा RTI का जो हमारा ये मेरा ऑफिस कॉम्प्लेक्स है, रेवेन्यू ट्रेनिंग कॉम्प्लेक्स, यहाँ से लेके और पूरा यहाँ से अपना अंगद फॉर्म की तरफ गोल गुजराल का जो पंचायत का एरिया है इसको हमने पूरा एस्टेब्लिशमेंट्स को बंद रखा है। वेयर एज इसमें हमने जो एसेंशियल कम्युनिटीज़ हैं या फिर कोई मेडिकल एमरजेंसी है वो रेगुलेट की है, उसमें किसी किस्म की कोई दिक्कत कहीं किसी को नहीं है। और 2571616, आई रिपीट 2571616, 2571912, 2571912, ये हमारे 24/7 वर्किंग एमरजेंसी सेल नंबर्स हैं डिस्ट्रिक्ट ऑफिस जम्मू के, DC ऑफिस जम्मू के। यहाँ पे किसी भी किस्म की कोई भी किसी को क्वेरी है वो यहाँ से अपनी क्लेरिफिकेशन ले सकता है या कोई अपनी प्रॉब्लम बता सकता है। कंटेनमेंट जोन को बनाने का पर्पस यही होता है कि क्योंकि कम्युनिटी स्प्रेड ना बढ़े, इमिडिएटली जो पॉजिटिव केसेज आइडेंटिफाइड हैं उनके जो फर्स्ट कॉन्टैक्ट्स हैं उनकी इमिडिएटली SOPs के मुताबिक 2 दिन या 3 दिन के बाद उनकी जो सैम्पलिंग की जाए और उनकी रिपोर्ट्स आने तक इसको कंटेनमेंट जोन रखा जाता है, ताकि ये कम्युनिटी स्प्रेड आगे ना बढ़े। और मैं अपील करूँगा सभी को जो भी इन वार्ड्स के, इन पंचायत के लोग हैं, कि आपके माध्यम से उनसे मैं गुजारिश करूँगा कि हमें इस चीज़ के इसके लिए आप अपना ताउन दें, कोऑपरेट करें और इसका पूरा पालन करें, क्योंकि इसमें 144 CRPC इम्पोज है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट इसमें इम्पोज है, और इसकी वायलेशन अगर होगी तो उसमें 188 IPC के तहत इमीडिएटली आपके खिलाफ FIR हो सकता है, कार्रवाई हो सकती है, बट वो हम कभी नहीं करना चाहेंगे। आप कानून का पालन करें, और ये मुझे लगता है कि जैसे ही जो ये पॉजिटिव के कॉन्टैक्ट्स के जो आगे रिपोर्ट्स जैसे आ जाएंगे 2-4-5 दिन में, जितना टाइम उसमें लगेगा, उसके बाद उनकी रिपोर्ट्स अगर नेगेटिव आएंगी तो इमीडिएटली इसको फिर से फ्री किया, जोन को फ्री जोन किया जाएगा। सर, कौन-कौन सी शॉप्स फिलहाल इसमें 2 दिन के लिए हमने कम्प्लीट लॉकडाउन किया है इस एरिया में, और इसमें जो ग्रॉसरीज इसेंशियल जो कम्युनिटीज़ की दुकानें हैं उनको फेज मैनर में हम रेगुलेट करेंगे। इसमें फ़िलहाल हमने इसलिए टोटल बंद किया क्योंकि शॉप पे यू नो कि आप कंटेनमेंट जोन का मतलब है कि 144 जो इम्पोज्ड है कि 2-3 से 4 लोग से ज़्यादा लोग कहीं पे भी एकत्रित नहीं हो सकते। इसका पर्पज़ ही यही है क्योंकि यू नो कि COVID-19 का जो मैनेजमेंट है इसमें सोशल डिस्टेंसिंग ही एक नॉर्म है जिसको हम फॉलो करके इससे बच सकते हैं। तो मैं वैसे भी अपील करूंगा कि आप लोग जो इसकी वायलेशन कर रहे हैं, ये कानून की या हमारे लिए कोई सरदर्दी नहीं है, ये आप अपने लिए और अपने परिवार वालों के लिए, अपने परिवार के सदस्यों के लिए परेशानी क्रिएट कर रहे हैं, उनके लिए खतरा लेके जा रहे हैं घर में। आप बाहर कहीं ग्रॉसरीज के लिए, कहीं ज़रूरी कोई काम है उसके लिए ही बाहर निकलें। और इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि कंटेनमेंट जोन में आज आपके पास मोबाइल्स हैं, ऑनलाइन पेमेंट्स आप कर सकते हैं, आप अपने शॉपकीपर को ऑनलाइन भेज सकते हैं कि ये आपकी रिक्वायरमेंट है, वो बिल भेज देगा, आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि बाहर निकलना जिस हद तक भी अवॉइड हो सके हम लोगों को करना चाहिए, यही एक तरीका है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि किस तरह से केसेस की जो गति बढ़ रही है, आगे केसेस दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, तो ये इससे हमें यही पता चल रहा है कि हम लोगों की SOPs जो हम फॉलो नहीं कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव जो गाइडलाइंस उनको फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो उसी वजह से ये परेशानी हमें आ रही है।
इसको रोकने के लिए इतना ही कहूँगा कि आप लोग पूरे नॉर्म्स को फॉलो करें और कानून के दायरे में रह के अपनी जो ज़रूरी चीज़ें हैं उसके लिए बाहर निकलें। धन्यवाद।